हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति एंड अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर मैथ्स पेडागॉजी वीडियो सीरीज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज़ अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है. आपसे पूछा जा रहा है अंकगणित पढ़ने का जो पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए. दैनिक जीवन के कार्य हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु या फिर ये सभी. तो इन तीनों कामों को करने के लिए ही हमें अंकगणित के शिक्षण की आवश्यकता है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ कम टू सेकेंड. गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है. आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले गणित की कौन सी ब्रांच डेवलप हुई थी. अंकगणित सांख्यिकी, बीजगणित या फिर ज्यामिति. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अंकगणित. गणित में सबसे पहले अंकगणित विकसित हुआ था. ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3. मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सी है. मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर आर्थिक. तो सबसे ज़्यादा जिस जगह पर गणित का यूज होता है वो ना मनोवैज्ञानिक है, ना सामाजिक है, ना सांस्कृतिक है, वो है आपकी आर्थिक. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. गणित का सामुदायिक महत्व है महत्वपूर्ण, नैतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या फिर ये सभी से. अब सामुदायिक महत्व पूछा जा रहा है तो ये तीनों ही आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है ज्ञानात्मक, व्यवहारगत, भावात्मक या फिर क्रियात्मक. तो ये हो जाएगा व्यवहारगत. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं. यह कथन है न्यूटन का, आइंस्टीन का, पियर्स का या फिर आर्यभट्ट का. तो ये कथन है आपका पियर्स का. ठीक है, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. गणित में किन गणित निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है. आप 4 ऑप्शन है, ये सेंटेंस दिए गए हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि किस सेंटेंस में मैथ्स का यूज़ नहीं हो रहा है. आप पढ़ोगे आपको खुद ही समझ आएगा. पहला है, रीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है. ठीक है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है. राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है. सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है. अब ये नहीं कहा जा रहा है कि एक खेत में काम कर रहा है या दो घंटे काम कर रहा है ना. इस सेंटेंस में कहीं पे भी गणित का यूज़ नहीं हो रहा है, जबकि बाकी के बचे हुए तीनों सेंटेंस में, जैसे पहले वाले में है सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, तो कितनी सब्जी खरीद रही है, कितने ग्राम सब्जी खरीद रही है ना, तो इसमें मैथ्स का यूज़ हो रहा है. दूसरा है दुकान का बही खाता, तो ऑब्वियस है उसमें भी कहीं ना कहीं गणित का यूज़ हो रहा है. तीसरा है कपड़े गिनना, तो इसमें भी यूज़ हो रहा है, सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर 3 में यूज़ नहीं हो रहा, तो वही सही हो जाएगा. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है. ऐसा क्यों है कि सबको गणित आना चाहिए. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है. बहुत सी सामाजिक क्रियाएँ गणित पर निर्भर होती हैं, या फिर गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, या फिर उपरोक्त सभी. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी. तो कम टू क्वेश्चन नंबर 9. गणित की समाज में आवश्यकता होती है. क्यों होती है, लेन देन में, व्यापार व उद्योग में, दोनों में या फिर दोनों में से कोई नहीं. तो ये दोनों में ही गणित की आवश्यकता है. तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है. निम्न में से किसका कथन है, स्किनर का, पियाजे का, नेपोलियन का या फिर इनमें से कोई नहीं. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 10 करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है त्रिकोणमिति में, समाकलन में, अंकगणित में या फिर अवकलन में. तो यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा अंकगणित में. अंकगणित में सामुदायिक गणित निहित होता है.
कम टू क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना सही है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना ये भी सही है। बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना ये भी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर 12 का 4th करेक्ट हो जाएगा। ओके, कम टू 13, गणित शिक्षण का महत्व है विज्ञान में, है समुदाय में, है सिद्धांत एवं तर्क में, है ये सभी में, तो इन सभी में ही गणित का महत्व है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 14, आदर्श शिक्षा वह है जो बालक के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। पाठ्यपुस्तक, समाज, सहायक सामग्री या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 14 का 2, मीन्स समाज। समाज जो है वो आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। कम टू क्वेश्चन नंबर 15, गणित तर्क संगत यथार्थ कथन एवं सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। ये किसका कथन है, स्किनर का, डटन का, गप्पे का या फिर प्याजे का? तो इसको जो कथन है वो डटन ने कहा है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। ये किस प्रकार की गति है, आपसे ये पूछा जा रहा है। गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करने में, शिक्षार्थियों को गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करने में, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना या फिर अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट हो जाएगा कि गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध भी बैठ जाए और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने के लिए बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी, है ना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।